राज 165 सीटें और इनमें से 55 सीटें उत्तर प्रदेश की। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो ट्वीट किया गया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन वोटर आज उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को कश्मीर, केरल और बंगाल बनने से रोकने के लिए जिम्मेदारी वोटर की है। दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है, उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का यह संदेश। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। मुझे कोई चिंता है तो केवल एक, जिन दंगाइयों और पेशेवर अपराधियों पर प्रदेश में अंकुश लगा है, वे सब अब फिर से मचल रहे हैं। वे बार बार धमकी दे रहे हैं कि जरा आने दो हमारी सरकार, सावधान रहिए। आप चूके तो न केवल 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को इस बार कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर भी नहीं लगेगी। और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने दूसरे फेज की इस पोलिंग को लेकर बातचीत की है। वो दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी जीतेगी। दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, जो कि बदायूं से ही हैं और इस वक्त बीजेपी की क्या रणनीति है बदायूं और रोहिलखंड को लेकर बातचीत करते हैं। बीएल वर्मा जी, क्या इस बार सपा का गठबंधन आपके लिए चुनौती बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से सपा का दावा है कि सेकेंड फेज में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास चुनाव में 2017 की तरह से फिर से हम लीड करके और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए न तो कोई चिंता है न चुनौती है। और जहाँ तक रोहिलखंड की बात है, तो रोहिलखंड क्षेत्र का मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। 2017 में ब्रज क्षेत्र का मैं अध्यक्ष था और इस रोहिलखंड में बरेली मंडल में 4 जिले आते हैं। 4 जिलों में हमारी 25 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 2017 में 25 में से हमने 23 पर कमल खिलाने का काम किया था। तो क्या आपको लगता है किसान एक कोई बड़ा मुद्दा बन रहा है? देखिए, किसान हमेशा 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2022 हो, भाजपा के साथ था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए आज तक इतना किया है और किसकी सरकार ने किया, किसी ने नहीं किया। और उन्होंने जो नारा दिया कि 2022 तक के हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, उन्होंने उसी दिशा में काम करना चालू किए। बीजेपी पिछली बार की तुलना में इस बार कुछ अलग रणनीति से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जातियों पर बहुत ज्यादा फोकस है, बैकवर्ड ओबीसी पॉलिटिक्स सपा भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, कौन सफल होगा? देखिए, ओबीसी के लिए जितना काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, कभी किसी ने किया नहीं। चाहे नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण की बात हो, चाहे ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, या आप कहिए कि 27 मंत्री उस मंत्रिमंडल में मोदी सरकार में बने हैं मेरे जैसे, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और 2019 में हमने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के भाई कहने चाहिए, वो भी लड़ने यहाँ पर आए थे, उनको हरा करके भेज दिया है, इसलिए भाजपा का कमल सभी सीटों पर खेलने वाला है। तो देखिए, ये बीएल वर्मा केंद्रीय मंत्री जो कि बदायूं से ही हैं, जी न्यूज से बातचीत में सिक्सर लगाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल वोटिंग जारी है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, बदायूं। तो आप अगर इन 165 सीटों पर मतदाता हैं तो अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, पहले मतदान फिर कोई अन्य काम। मेरे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ है। राजीव, हाउ एक्साइटेड यू आर? आज तो आपकी स्टेट में भी पोलिंग हो रही है, मिस कर रहे हैं वहां पे नहीं है, और मेरी तरह आपको ये इनका मार्क दिखाने का मौका नहीं मिल रहा। स्वाभाविक है, मैं मिस कर रहा हूँ उत्तराखंड में। मेरा चूंकि गढ़वाल मंडल में आता है, अर्शनगर मेरी विधानसभा पड़ती है, और वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, और बीजेपी की तरफ से हैं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस बार, गढ़वाल की 41 सीटें हैं और कुमाऊं की 29 सीटें हैं, और इन सीटों पर जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है। मैं यहाँ से हर एक खबर उत्तराखंड की आप तक पहुँचाने वाला हूँ, एक एक जानकारी आप तक पहुँचाने वाला हूँ। स्वाभाविक है मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ पर है जो वोट डालने के लिए पहुंच गई सुबह सुबह देती। और हमारे साथ शिवांगी है उत्तराखंड की, हम बात कर रहे थे अभी, मैं राजीव के चेहरे पर आप देख रहे हो वो एक जो जज्बा होता है ना कि हम भी जाएं। ये देखिए, जो अदिति के हाथ पे इंक है, मेरे हाथ पे भी वो इंक होनी चाहिए, वो राजीव इस वक्त मिस कर रहा है, लेकिन शिवांगी हमारे साथ है। शी हैज अ बिग स्माइल। गुड मॉर्निंग शिवांगी। उत्तराखंड कितना जोश इस वक्त ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है शिवांगी?
गुड मॉर्निंग अदिति, देखिए जोश बहुत ज़्यादा है और यहाँ बहुत ठंड है, इसके बावजूद वोटर्स जो हैं वो घर से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी हरीश रावत जी के घर है। ज़रा तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए सुबह ही सुबह यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो गई है और इस बार मुकाबला कड़ा है क्योंकि उत्तराखंड का जो इतिहास रहा है हमने देखा है, यहाँ हमेशा ही इस राज्य ने सत्ता परिवर्तन देखा है और इस बार क्या परिवर्तन होगा ये अपने आप में बड़ी बात है। और मुकाबला इस बार सिर्फ बीजेपी वर्सेज कांग्रेस नहीं है क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी अब इस चुनाव में कूद पड़ी है और ऐसे में ये देखना होगा कि सेंधमारी आम आदमी पार्टी कहाँ करती है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो हॉट सीट है उसमें से नैनीताल जिले का जो लालकुआ सीट है जहां से हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं, उसी के साथ साथ उधम सिंह नगर जिला जो है जहां से खटीमा की सीट पर जो मौजूदा पुष्कर धामी यहां पर मुख्यमंत्री हैं वो लड़ रहे हैं। तो ये कुछ चुनिंदा सीटें हैं जिस पर मुकाबला तगड़ा है। और देखिए चुनाव से ठीक दो दिन पहले पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा था कि हमारी सरकार आते ही शपथ लेते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाएंगे। बहुत बयानबाजी हुई है, खासतौर पर हिजाब विवाद को लेकर। शिवांगी आएंगे आपके पास और हम सुनना चाहेंगे हरीश रावत आज क्या कहते हैं। मेरे सहयोगी अश्विनी पांडे आपको दिखाई दे रहे हैं, रामपुर से हमारे साथ हैं अश्विनी पांडे। रामपुर आजम खान इस वक्त ग्राउंड पर, क्या है तस्वीर? जी इस वक्त मैं मुख्तार अब्बास नकवी के घर पे हूँ, थोड़ी देर में वो वोटिंग के लिए यहाँ से निकलेंगे। यहाँ अगर हम बात करें रामपुर की तो चुनावी लड़ाई बहुत ज़्यादा इस बार मजबूत होने वाली है। आज़म खान ने जेल से ही नॉमिनेशन भरा है रामपुर चुनावी क्षेत्र पे। इसके पहले 2019 में जब वो लोकसभा गए थे तो उनकी पत्नी यहाँ से जो है विधायक रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया विधानसभा से, जबकि वो लोकसभा के सांसद मौजूदा दौर में हैं। और इस वक्त वो जेल में हैं, सीतापुर की जेल में, और उनके सामने हैं बीजेपी के आकाश सक्सेना, इसके अलावा नवाब अली जो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर हैं। ये जो लड़ाई है बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुबह सुबह फोन करके मुझे बेस्ट विशेस दी, हमारे संगठन को बेस्ट विशेस दी, गोवा के लोगों को बेस्ट विशेस दी। इससे यानी डबल इंजन की सरकार यानी फिर से आने के लिए माननीय प्रधान मोदी जी की विशेष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है 22 में 22 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी के आ जाएंगे। सर कैसे देख रहे हैं कि 10 साल का बीजेपी गवर्नमेंट गोवा में था, क्या इंप्रूवमेंट, कितना ये लोगों के लिए मिला हुआ है? 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पे किया है, और इस कोविड कार्यकाल में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन आत्मनिर्भर भारत जो हमने कन्वर्ट किया है स्वयंपूर्ण गोवा में, तो डेफिनेटली इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और इस बार लोग यानी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वोट दे रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं कि टीएमसी आप भी गोवा में आया है, कैसे क्या बीजेपी को कैसे लग रहा है? चाहे कोई भी यहाँ पे आ जाए, कितने भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, लेकिन मेरा पूरा भरोसा गोवा के लोगों के ऊपर है, गोवा की जनता के ऊपर है कि गोवा की जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है तो डेफिनेटली 100% हम पूरे मेजोरिटी के साथ चुन के आ रहे हैं। सर बीजेपी का गवर्नमेंट पहले भी लीडर्स आपका चेहरा ही चॉइस किया है सीएम पे, कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे देख रहे हैं? डेफिनेटली कैंपेन लीड मैं कर रहा हूँ और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद, अमित भाई के आशीर्वाद, अमित जी के आशीर्वाद और जेपी नड्डा जी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन सभी का आशीर्वाद डेफिनेटली मुझे है। और तो गोवा के सीएम को आप सुन रहे थे, जीत का दावा वो कर रहे हैं लेकिन नेता तो दावे करेंगे, आप किसके साथ हैं यानी जनता जनार्दन किसके साथ है? क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है वो जिस पर मोहर लगाएगी, वो जिसके लिए ईवीएम का बटन दबाएगी उसकी किस्मत का ताला खुलेगा। मेरे कई सहयोगी लगातार हमारे साथ में, हरीश का रुख करते हैं, बिजनौर से हमारे साथ है। हरीश तस्वीरें दिखाइए और वोटर का जोश भी दिखाइए, पीछे बलून, ऐसे लग रहा है फेस्टिवल का मूड, क्या कह रहे हैं लोग और क्या है तस्वीरें? जी बिल्कुल, यहाँ पे फेस्टिवल का मूड जो है वो पूरी तरीके से दिख रहा है। बिजनौर विधानसभा की सीट है और ये देखिए लगातार सुबह से ही लोग जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए आ चुके हैं और लगातार अब ये देखिए मॉडल पोलिंग बूथ ये बनाया गया, इसलिए आपको ये गुब्बारे जो है हर तरफ दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर आपको लोग जो है वो लगातार नजर आ रहे हैं, लगातार लोग जो है वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर अलका साहू। आपको आपके हाथ में हम देख रहे हैं कि चोट लगी हुई है, वोटिंग करने के लिए आप सुबह सुबह पहुंचे हैं, कितना महत्वपूर्ण आप ये देख रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम तो हमेशा ही रेगुलरली वोट देते हैं, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, राइट एज वेल एज माई ड्यूटी टू कास्ट अ वोट। और बिजनौर सीट की अगर बात करें तो क्या विशेष मुद्दा यहाँ पर है? इस विषय में मैं चर्चा नहीं करूँगी,
क्योंकि इंडिविजुअल ओपिनियन ये है ना। तो देखिए लोग जो हैं वो लगातार जो हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, फोकस का केंद्र आप देखें तो यहाँ पर युवा हों, हर बुजुर्ग हों, सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? दिशा। देख सुबह सुबह आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए, क्या मुद्दा है यहाँ पर इस बार? मैं तो अपना राइट एक्सरसाइज करने आई हूँ, बाकी तो मैं अंदर ही जाके अपना। देखिए लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, और एक देखिए यहाँ पर जो एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये मॉडल पोलिंग बूथ है, यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट जो है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो लोगों के बारे में ही है, जन के बारे में ही है, और अगर वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं तो ये अच्छी बात है। और तस्वीरें और जानकारी लगातार पहुंचाएंगे। राजीव एक और इंटरेस्टिंग एंगल जिसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जी न्यूज पर हमने इस बात को कई बार उठाया है, वो है दागी जो इस वक्त चुनावी मैदान में है, उनसे जुड़े हुए इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को देना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बार बार दावा तो ये किया जाता है कि साफ छवि राजनीतिक में स्वच्छता की बात की जाती है, शुचिता की बात की जाती है। राजीव बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और देखिए समाजवादी पार्टी के दागी कैंडिडेट्स की बात करें तो 67% है, 67% 35 दागी कैंडिडेट हैं। यही वजह है कि सामने वाली पार्टी को, दूसरी पार्टी को मौका मिल जाता है बोलने के लिए। अब हम दागी कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टी में कितने दागी कैंडिडेट हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में 23 दागी कैंडिडेट हैं। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन पर इल्जाम है, आरोप है, FIRs हैं। 43% कांग्रेस के जो है दागी कैंडिडेट हैं। ये दूसरे चरण की बात करें, सिर्फ 55 सीटें, और इन 55 सीटों पर 36% बीएसपी के दागी कैंडिडेट हैं, और नंबर्स में बात करें तो ये 20 हो जाता है। तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या फिर बसपा हो, तीनों में आपने देखा कि दागी कैंडिडेट है, लेकिन इसमें बीजेपी भी, ऐसा नहीं कि बीजेपी में दागी कैंडिडेट नहीं है, लेकिन 34% है, तुलनात्मक कम है। 18 दागी कैंडिडेट बीजेपी में, सपा, बसपा, समाज, इसके साथ साथ कांग्रेस या बीजेपी, सभी में दागी कैंडिडेट है। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, 7 दागी कैंडिडेट है। ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। मेरे सहयोगी अश्विनी के साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं, क्या कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी? अश्विनी आज इस तरह से समाज का सभी वर्ग जी, देखिए मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त यहाँ मौजूद है और बात कर रहे हैं, इनके हम बातचीत करेंगे, फिलहाल वो बोल क्या रहे हैं वो सुनाते हैं। मुस्लिम महिलाएं जो है वो मोदी मोदी कर रही हैं, आज खुल करके मोदी मोदी कर रही हैं, और आज जो है वो जिस तरह से अगर आप देखें तो लगभग 5.5-6 करोड़ स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें 60% लड़कियां हैं, ड्रॉप आउट रेट घटता है, लोगों का इनरोलमेंट रेट बढ़ता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें, ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति और कुप्रथा का खात्मा मोदी जी ने किया, बिना महरम के जो है वो हज यात्रा पर पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान में महिलाएँ जा रही हैं। यही नहीं, एक सुरक्षा का माहौल, विश्वास का माहौल आज समाज के सभी वर्गों के साथ, समाज के सभी मुस्लिमों का और मुस्लिम महिलाओं का भी माहौल को जो है इस बात का एहसास हुआ है। तो इससे जो है वो जो लोग अभी तक सेकुलर सिंडिकेट था, जो अभी तक जो है वो कम्युनल टिफिन में सेकुलर के मार्ग आएंगे आपके पास, अश्विनी आपके पास आएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार स्टूडियो में, संजीव जल्दी से कॉमेंट, ये जो 165 सीटें जिनमें उत्तर प्रदेश में सेकंड फेज की पोलिंग, 55 सीटें, योगी आदित्यनाथ का वीडियो अपील, एक बार फिर से कश्मीर केरल ना बनने दें, पूरी तस्वीर को कैसे देखें? जो आज के चुनाव है इसमें मेरी नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे रही, मुझे एक सीट की बड़ी चिंता हो रही, पणजी से जो मनोहर पर्रिकर के बेटे निर्दलीय लड़ रहे हैं, ये बड़ा मैसेज देने वाला चुनाव है सभी के लिए। तो एक तो पणजी गोवा की बात भी कर लें थोड़ी सी, तो मनोहर पर्रिकर के बेटे का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने दोबारा वो बात रिपीट की है केरल वाली, दूसरा अभी हम लोगों ने दागी देखा, तो दागी वाला इशू भी बीजेपी बहुत ढंग से उठा रही है। उनका मानना है कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती है तो फिर दागी उछलेंगे, आज वाले बयान में उन्होंने यही कहा कि लोग तैयारी करे बैठे हैं। तो योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि एक स्प्रिंग है जो दबा दी गई है, उनका कहना है कि अपराधियों की स्प्रिंग को हमने दबा रखा है, अगर हम हट गए तो वो स्प्रिंग उछल जाएगी, तो बहुत तेजी से चोट करेगी। तो मुझे लग रहा है ये बड़ा चुनाव इस बार इस मुद्दे पर भी हो रहा है। हाँ, जहाँ तक आज वाला जो रुहेलखंड का पोर्शन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आज चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा देखने वाला, आजम खां की सीट का, रामपुर की सीट का, और उसमें भी रामपुर स्वार ऐसी जगह जहां भाजपा और एनडीए ने पहली बार मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, भले वो अपना दल के टिकट पे उतरा हो, बट वो मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है, और नवाब साहब रामपुर के बड़े प्रतिष्ठित परिवार से। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त तो मेरे सहयोगी अश्विनी पांडे के साथ। एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा है कि सुशासन रहेगा कि नहीं रहेगा, एक ही मुद्दा है कि लोगों की सुरक्षा रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, एक ही मुद्दा है कि समावेशी समृद्धि का माहौल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। पहले जो सरकार थी वो बाहुबलियों की
बलवाइयों की, बकैतों की हिफाजत वाली सरकार थी। आज जो है वो उनको हिरासत में भेजने वाली सरकार है और उनके हिरासत की वजह से लोगों को, लोगों की हिफाजत हो रही है। आपसे ये जानना चाहूंगा, आजम खान इस वक्त अंदर हैं जेल में, इस तरह का उनका आरोप है कि कई मुकदमे फर्जी लगाए गए और अब वो अंदर हैं, इसका फायदा आप लोगों को क्या मिलता हुआ नजर? ये आरोप जो है वो आप कोर्ट पे लगा रहे हैं, इसका मतलब एक चीज। दूसरी चीज ये कि कौन जेल में रहेगा, कौन बेल में रहेगा, ये तो कानून और कोर्ट अपना काम करता है। विवाद हुआ है लेकिन जनता के बीच क्या उसका भी जो आगे जो चरण है वोटिंग के उन पे असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के विकास का फैक्टर, मोदी जी के विश्वास का फैक्टर और योगी जी की सुरक्षा का फैक्टर। हिजाब का जो मुद्दा हुआ है सर, क्या उसका चुनाव पर असर दिखेगा? हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ी है कर्नाटक। हिजाबी जो हुड़दंग है वो हिजाबी हुड़दंग शुद्ध रूप से, खास तौर से मैं देखता हूँ कि मुस्लिम महिलाओं को तालीम और तरक्की से, मुस्लिम महिलाओं की तालीम और तरक्की पर जो है वो ताला जड़ने की, तालिबानी ताला जड़ने की कोशिश है। और अफसोस की बात यह है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी सबसे पहले इस कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल होती है, फिर समाजवादी पार्टी घुस जाती है, फिर और पार्टियां उसमें आ जाती हैं और उधर जो है पाकिस्तान का पाखंडी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें एक ही मकसद मंशा से की गई कि आज समाज का सभी वर्ग और मुस्लिम महिलाएं तो बहुत बड़ी तादाद में मोदी मोदी कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो उनकी आंखों में खुशी और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली का माहौल पैदा किया है। तो इसलिए ये एक हिजाबी हुड़दंग हंगामा है। मंत्री जी से मुझे कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी बात किया है, बहुत महिलाएं। देखिए ये सारे की सारी चीजें मैंने आपको एक बात बताई, पॉलिटिकली कुछ लोगों ने इसको प्रायोजित किया। आरोप यह है कि बीजेपी ने विवाद क्रिएट किया है। बीजेपी ने कहां से किया भैया? आप ये बताओ, कर्नाटक में आज से शुरू हुआ जब बीजेपी सरकार आई, दशकों से ये चल रहा था। और आप कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, भाई संवैधानिक अधिकार के साथ साथ आपके संवैधानिक कर्तव्य भी तो होते हैं ना। आप जो है संवैधानिक अधिकार पे तो ठोका ठाकी करेंगे और जो है वो संवैधानिक जो कर्तव्य की जब बात आएगी ठिठोली करेंगे। तो ये भी कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और कोर्ट का फैसला जो भी होगा वो सबको मानना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कोर्ट के फैसले से पहले जो है वो स्ट्रीट पर जो है हुड़दंग ज्यादा दिखाई पड़ रहा है और ये बहुत प्रायोजित हो रहा है। चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी है यहाँ पर, अदिति कुछ सवाल जो है कम ले सकते हैं चूंकि इस वक्त बहुत मीडिया है यहाँ पर जो मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत करने पहुंची है। लेकिन उनका कहना है कि ये जो हिजाब का मुद्दा है ये प्रायोजित है और बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसे प्रायोजित करके। इस वक्त इमरान मसूद बोल रहे हैं, थोड़े दिनों पहले उन्होंने पाला बदला, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, पहनावा कौन क्या पहनता है वो उसका अपना मौलिक अधिकार है, उसको क्या पहनना है उसको संविधान के अंदर, कानून के अंदर हमें आज़ादी है कि हम अपने अपने धर्म को माने, अपने पहनावे को अपने तरीके से पहने, तो उसके ऊपर ये बेकार की बात है। जब आपके पास कोई बात नहीं होती तो अब इसी तरह के मुद्दे आप उठाते हैं। गठबंधन को लेकर के आपके आशय क्या है कि कितने सीटें आप लोग जीतेंगे? प्रचंड बहुमत के साथ 300 के पार सरकार बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अखिलेश के नेतृत्व में सरकार, अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, आप 10 तारीख को मार्च को देखिए। एक प्रश्न सवाल, क्योंकि आप चुनाव हर बार नहीं लड़ रहे हैं, उसको लेकर के कई लोगों के मन में संशय है कि समाजवादी ने टिकट नहीं दिया इसलिए आप चुनाव नहीं लड़े। देखिए, मेरा चुनाव लड़ने का पहले से मन नहीं था, ये बात तो गलत है कि मैं पाला बदला है इन्होंने और दावा उनके द्वारा भी लगातार किया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, फैसला आपको करना है। शिवांग का रुख करेंगे, इस वक्त वो ऐसे पोलिंग बूथ पर हैं जहां पर ईवीएम खराब होने की खबर है। क्या है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, क्या ईवीएम ठीक कर ली गई है, क्या है तस्वीर? जी बिल्कुल अदिति, देखिए अगर हम एक बार आपको तस्वीर दिखाएं तो जो शख्स तस्वीर में आपको दिख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार हैं। उन्हें यहाँ पर वोट डालना था, सुबह 7 बजे यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री पहुँच गए थे वोट डालने, लेकिन जिस पोलिंग बूथ पर उन्हें डालना था वहाँ पर ईवीएम अभी तक खराब है। 1 घंटे के ऊपर हो चुका है समय, लेकिन अभी तक ईवीएम के ठीक होने का कुछ भी हम लोग को पता भी नहीं यहाँ पर नहीं लग पाए, जिसकी वजह से मतदान अभी भी नहीं शुरू हो पाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर और भी लोग भी लगे हुए हैं लाइन में, जो सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आज जिस तरह से लोकतंत्र का पर्व है। अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि लाइन तो हम कतार देख रहे हैं लंबी होती जा रही है लगातार, संक्षेप में।
जी बिल्कुल रहती है। देखिए यहाँ पर ईवीएम को बदला जा रहा है, दो बार भी ईवीएम बदली जा चुकी है लेकिन फिर भी ईवीएम काम करना नहीं शुरू हुई, तो अभी तीसरी ईवीएम फिर से लगाई गई है और उसका भी एक बार डेमो लिया जा रहा है, चेक करा जा रहा है कि क्या वो ईवीएम काम कर रही है कि नहीं। अगर वो ईवीएम काम करने लगेगी तो फिर से मतदान को शुरू करा जाएगा। ठीक है, शिवांग आएंगे आपके पास अपडेट के लिए, लेकिन हम आपसे लगातार अपील ये कर रहे हैं, घरों से निकलिए। अगर आप इन 165 सीटों पर मतदाता हैं तो मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, और ना सिर्फ मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे इंक लगाई हुई अपनी सेल्फी हमें भेजिए, और इस वादे के साथ आपकी सेल्फी किस नंबर पर आपको भेजनी है पूरी इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। वोट कीजिए, सेल्फी भेजिए, अपना नाम और पता हमें बताइए और अपने ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी सेल्फी हम दिखाएंगे। 9643333111 एक बार फिर से दोहराते हुए 9643333111 पर आपकी सेल्फी, आपके नाम और पते का हमें इंतजार, अपने ब्रॉडकास्ट के दौरान दिखाएंगे। हम लौट रहे हैं जल्द, ये स्पेशल कवरेज लगातार जारी है, आप भी रहिए हमारे साथ। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।